जो प्रोटेस्ट हुई थी उसके बाद काफ़ी सारे रिफॉर्म मिले बहुत एफर्ट और टाइम के बाद. सो द फर्स्ट एक्ट वॉज पास्ड इन 1819. ये था फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 9 ईयर्स, उनकी एम्प्लॉयमेंट बैन कर दी गई थी. एंड जो किड्स थे फ्रॉम 9 to 16 ईयर्स की एज तक, उनको उनका वर्किंग आवर था फ्रॉम 16 to 12 आवर्स अ डे पे उसको मैक्सिमम कर दिया गया था. विच 12 आवर्स अ डे इज़ ऑल्सो अ लॉट कम्पेयर टू मॉडर्न स्टैंडर्ड्स, बट उस टाइम एक्सेप्टेबल था एंड 12 आवर्स अ डे वॉज द लिमिट. द प्रॉब्लम वॉज ये जो एक्ट, ये जो लॉ था, ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया. सो अभी भी बच्चे काम कर रहे थे और लंबे समय के लिए काम कर रहे थे. द नेक्स्ट एक्ट वॉज पास्ड इन 1833 दैट बहुत सारी प्रोटेस्ट के बाद इन नॉर्दर्न इंग्लैंड चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 9 वर एम्प्लॉयड इन सिल्क फैक्ट्रीज, जहाँ पे उनके उन बिकॉज ऑफ दैर साइज वो मशीनरी में आसानी से काम कर पाते थे. एंड फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स इस पर ऑल्सो एम्प्लॉय करे गए ताकि वो जो लॉज हैं उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर पाएँ. देन देर वॉज द एक्ट ऑफ 1847 जो कि 10 आवर्स बिल था. इट लिमिटेड दी वर्किंग आवर्स फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड इवन मैन गॉट अ 10 आवर्स वर्किंग डे. बहुत मैसिव अचीवमेंट थी बिकॉज अभी तक जितने भी प्रोटेस्ट थे दैट वॉज फॉर लेसनिंग द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, नॉट फॉर मैन. सो दिस वॉज अ मैसिव अचीवमेंट. बट वॉट वॉज रियलाइज आफ्टर दिस वॉज कि जो माइन्स में थे, जो माइन इंडस्ट्री थी, उसमें एक्चुअली 1833 के बाद कंडीशंस बुरी होती गईं. सो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट दैट जो नेक्स्ट लॉ आए इट एड्रेसेस द इशूज़ ऑफ माइन इंडस्ट्री एज वेल. तो 1842 में जो कि माइन एंड कॉलरीज एक्ट पास किया गया था दैट बैंड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन माइन्स. एंड दैट वॉज ऑल्सो इट डिड नॉट गेट इम्प्लीमेंटेड वेरी वेल बिकॉज चिल्ड्रन वर वेरी हेल्पफुल. उनके जो बींग स्मॉल इन साइज वो आसानी से घूम सकते थे एंड दे वर नोन एज कोल बैरर्स. द नेक्स्ट वॉज 1847 फील्डर्स फैक्ट्री एक्ट दैट वुमेन एंड माइनर्स कुड नॉट बी एम्प्लॉयड फॉर मोर देन 10 आवर्स. बट इन सब लॉज के साथ प्रॉब्लम ये थी दैट जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स थे दे वर नॉट पेड वेरी वेल. तो जो फैक्ट्री ओनर्स थे दे कुड ईजिली ब्राइब दैम टू गिव दैम अ क्लीन सर्टिफिकेट दैट उनकी लॉ उनकी फैक्ट्री में एक्चुअली लॉ इम्प्लीमेंट हो रहा है, बट वो नहीं होता था. सो उनकी ब्राइबिंग की वजह से देर वॉज नॉट मच दैट कुड हैपन बिकॉज द पार्लियामेंट वॉज पासिंग लॉज बट उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा था. मोर ओवर पेरेंट्स खुद चाहते थे दैट देयर किड्स कैन वर्क एंड अर्न मनी बिकॉज इतनी पॉवर्टी थी दैट एनी हेल्प फ्रॉम एनी मेम्बर ऑफ द फैमिली वुड हैव बीन लुकड एट फेवरेबली. पेरेंट्स चाहते थे कि बच्चे काम करें, पैसे कमाएँ और ज़्यादा पैसा घर में आए बिकॉज पॉवर्टी ऐसी थी और इतनी बुरी कंडीशंस थे काम के रहने के. सो दैट वॉज द रिफॉर्म्स मूवमेंट. द बिल्स व पास, लॉज व पास, बट नॉट मच रियली हैपेंड फॉर द वर्कर्स.